M1 plus M2 V2 और इसके साथ V2 प्राइम था जो कि था 2M1 over M1 plus M2 V1 plus M2 minus M1 over M1 plus M2 V2। ये दो फार्मूला थे जिनको आगे हमने यूज करना है। इसके रेफरेंस से अब मैं एग्जांपल 3.4 करवाने लगा हूं। क्वेश्चन है, 70 ग्राम बॉल, दैट मींस 70 ग्राम उसका मास है, वो 0.070 किलोग्राम बनेगा, कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम या फिर 0.140 किलोग्राम। द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट एंड द सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट, V2 इज 0। इस बात को डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर लूं, दो बॉल्स हैं, एक M1 है और एक है M2। M2 जो है वो इनिशियली रेस्ट के ऊपर मौजूद है और जो V1 है उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है। वो कोलाइड करती हैं और कोलिजन के बाद वो स्कैटर होती हैं। इफ कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो भाई आफ्टर कोलिजन ये बॉल जो M1 है ये इस तरफ आएगी और इसकी वेलोसिटी V1 प्राइम होगी, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, और ये जो ये वाली बॉल है ये इस तरफ चलना शुरू हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी V2 प्राइम होगी जो कि पॉजिटिव में आएगी। हमें ये दोनों वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है V1 प्राइम एंड V2 प्राइम, ठीक है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद V1 प्राइम का फॉर्मूला क्या है, वो है M1 माइनस M2 over M1 plus M2 V1 plus 2M2 over M1 plus M2 V2। Values put कीजिए, V1 prime is equal to 0.070 minus 0.140 over 0.070 plus 0.140 और V1 कितना है, V1 है 9 plus 2 into 0.140 over 0.070 plus 0.140 और V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म वैसे 0 बन जाएगी, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो बाकी यहाँ पे ये टर्म बचेगी और वो क्या होगी, V1 prime is equal to minus 0.070 over 0.210 into 9। तो ये बनेगा V1 prime is equal to minus 1/3 into 9, तो V1 prime कितना होगा, वो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड और आंसर नेगेटिव में होगा। अब आपको पता है V2 prime का आंसर कितना आना है, V2 का prime का आंसर जो है वो 6 आना है। यहाँ पे जो आंसर आते हैं उस तरह से आते हैं कि पहले जो इनिशियल वेलोसिटी का सम होता है फाइनल वेलोसिटी का सम भी वही होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन निकाल दो, ये माइनस 3 है तो दूसरे का आंसर प्लस 6 आएगा, तो 3 प्लस 6 9 होता है और 9 प्लस 0 भी 9 होता है, माइनस नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन ही देखने पे। अब जब मैंने यहाँ पे V2 प्राइम फाइंड करना है तो V2 प्राइम क्या होनी है, V2 प्राइम होनी है 2M1 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 V2। तो यहाँ पे भी V2 होने की वजह से ये टर्म तो 0 हो जाएगी, भले आप सिर्फ यही इतना सा फॉर्मूला लिख लो जैसे बुक ने लिखा हुआ है तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 0.70 ओवर 0.070 प्लस 0.140 और साथ यहाँ पे आएगा V1 9 और यहाँ पे क्या आएगा 0.140 माइनस 0.070 ओवर 0.070 प्लस 0.140 इंटू 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और क्या बनेगा, V2 प्राइम इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9, दैट मीन्स V2 प्राइम विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। सो 6 प्लस 3
और 9 प्लस 0 दोनों का आंसर सेम आता है। तो इस तरीके से भी आप आंसर को गेस कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एग्जाम्पल 3.5। क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग टू राइट विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई एक गोल्फ बॉल है जिसका मास m1 है और एक और दूसरी बॉल है स्टील बॉल जिसका मास m2 है, ये इनिशियली रेस्ट पे है और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे कहा गया है गोल्फ बॉल ऑफ 100 ग्राम दैट मीन 0.100 किलोग्राम is moving towards right side by the velocity positive of m, so plus 20 meter per second. It takes a head-on collision with 8 kilogram steel ball initially at rest. So its velocity kya hogi, zero hogi. Compute velocity of the balls after collision. So required kya hai? Required hai v1 prime or v2 prime. Ek baat yahan se clear hai ki m1 ne wapas bounce back karna hai, to uski velocity v1 prime negative aani hai. Aur isme kyunki right side pe chalna hai, to v2 प्राइम पॉजिटिव आएगा। तो अगेन यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और v1 आएगा साथ से आएगा 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, v1 प्राइम इज इक्वल टू कितना है, 0.100 माइनस 8 ओवर 0.100 प्लस 8 और v1 की वैल्यू कितनी है 20 और यहाँ पे आएगा 2 × 8 ओवर 0.100 प्लस 8 × 0। तो दूसरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये क्या बनेगा, बनेगा v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस 7.9 ओवर 8.1 × 20। तो v1 प्राइम का आंसर कितना होगा, v1 प्राइम का आंसर होगा माइनस 19.5 मीटर पर सेकंड। तो पता है कि बाकी 0.5 इस वाली बॉल की वेलोसिटी आएगी क्योंकि सम कितना होना है, सम 20 ही होना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे v2 प्राइम फाइंड कर लें, v2 प्राइम कैसे आएगा, वो आएगा 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। v2 prime is 2 times m1 कितना है, m1 है 0.1 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.1 प्लस m2 कितना है 8 और v1 है 20 और यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 0.100 ओवर 0.100 प्लस 8 × 0। तो दूसरी टर्म जीरो हो जाएगी और v2 prime का आंसर कितना आएगा, वो आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। तो 0.5 और 19.5 फिर 20 होता है, 20 प्लस 0 भी 20 ही था। इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किए हैं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। तो जी लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। केस स्टडी हमने क्या कंसीडर करना है, हमने कंसीडर करना है एक हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पाइप में से वाटर इमर्ज आउट हो रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी बी, स्ट्राइक कर रहा है किसी वॉल को और इस दौरान उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जिसे मैं एफ वाटर का नाम दूंगा। ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर और फाइनली पानी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो रही है, ठीक है, और ये सारा काम टाइम डेल्टा टी के दौरान हो रहा है जो कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। तो इसे मैं लिख लेता हूँ टी माइनस जीरो, इसका आंसर टी होगा। इसी बात को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डायग्राम क्या है कि हमने शो करना है कि इस जगह के ऊपर एक वॉल है और इधर इस जगह के ऊपर एक पाइप है,
किसी ग्रेविटी फ्री सिस्टम के अंदर इस पाइप से पानी स्ट्रीम लाइन इमिशन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से पानी इमिट हो रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी है। टकराने के बाद पानी तमाम की तमाम अपना जो मोमेंटम है वो इस दीवार पे फोर्स लगाने में यूटिलाइज कर देता है और टकराने के बाद पानी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। दैट मीन सारी बात है, पानी के छींटे बैकवर्ड भी उठते हैं, लेकिन हमने इस तरह की सारी बातें नेगलेक्ट की हुई है और हम यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि पानी की जो दीवार से टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो है। फिर जारी बात है ग्रेविटी होगी तो पानी नीचे गिरेगा, कुछ छींटे भी उड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैक्सिमम फोर्स जो कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर अप्लाई होगी इस वॉल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने बात की इस जगह के ऊपर एक फोर्स लग रही है वॉल के ऊपर और वॉल भी एक फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्योंकि फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मैथमेटिकल डिस्कशन और यहाँ पे जो रूल यूज करना है वो क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये बात नोटिस करने की है कि फोर्स एक एजेंसी लगाती है और मोमेंटम किसी और चीज का चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीवार का मोमेंटम तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता फोर्स ऑफ वाटर एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, मजबूरन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फोर्स ऑफ वॉल एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर मैं लिख लेता हूँ वॉल और ये जो ये टर्म है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये वाटर के साथ एसोसिएटेड है, ये इक्वेशन नंबर वन है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम चेंज तो ऑब्वियसली वाटर का ही हो रहा है, दीवार का तो हो नहीं रहा कि मैं इक्वेशन अप्लाई करूँ, दीवार के केस के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर भी नहीं सकता, तो इसलिए मुझे मजबूरन यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फर्दर ये बन जाएगा फोर्स ऑफ वॉल इज इक्वल टू P final minus P initial over P final minus P initial for water. That means force exerted by wall on water is M VF minus M VI. जो मैच डिटेक्ट हो रहा है क्योंकि पानी का वो तो चेंज नहीं हुआ, टकराने से पहले और टकराने के बाद वाला मैच बराबर ही है पानी का, ठीक है। जो पाइप से इजेक्ट हो गया उसने दीवार से टकराना है, उसका मैथ तो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैथ के साथ फाइनल इनिशियल लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे टी फाइनल को मैं टी लिख रहा हूँ और टी इनिशियल को जीरो लिख रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। अब आपको पता है कि वी फाइनल हमने जीरो कंसिडर किया हुआ है और जो वी इनिशियल है उसको हमने बी कहा हुआ है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर विल बी इक्वल टू जीरो माइनस एम वी ओवर टी माइनस जीरो ऑफ वाटर। So force exerted by ball on water is minus m v over t. यहाँ पे ये expression किसके लिए है? ये water के लिए है। तो ये हमारी equation number 2 है। अब आपको पता है कि ये जो force of ball है, ये reaction है force of water की, ठीक है? तो यहाँ पे मैं Newton's third law use कर लेता हूँ। भाई Newton's third law के मुताबिक क्या बनेगा? ये बनेगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। पानी ने भी उतनी ही फोर्स लगानी है, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने माइनस साइन लिख दिया है, बाकी मैं मैग्नीट्यूड को इक्वल करूंगा और इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे एफ वॉल की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल विल बी इक्वल टू माइनस ये वाला, फिर माइनस ये वाला एम वी ओवर टी। तो भाई ये फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया फोर्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू एम वी ओवर टी, दैट मींस मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, वो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल का फॉर्मूला है। बस हमने पहले वॉल की फोर्स इसलिए निकाली है क्योंकि वहां पे वॉल की फोर्स में मोमेंटम पानी का चेंज होना था, अगर मैं फोर्स वाटर की निकालता तो मोमेंटम दीवार का चेंज होना चाहिए था और दीवार का क्योंकि मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा, इसलिए मैंने इनिशियली चेंज इन मोमेंटम वाटर का निकाला है और फोर्स वॉल की निकाली है। उसके बाद वॉल की फोर्स का नेगेटिव लेके उसे वाटर की फोर्स का नाम दे दिया है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। तो ये सिर्फ वाटर पे अप्लाई नहीं होता, किसी पाइप से अगर गैसेस इजेक्ट हो रही हैं तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी इज फोर्स ऑफ एनी फ्लूइड एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट अप्लाइड, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो पूछ लें। नो सर। एग्जाम्पल 3.6 बुक में जरा अजीब सी की हुई है, हम जरा आसान तरीके से करेंगे। A hose pipe ejects water at a speed of 0.3 meter per second. तो भाई इसकी जो V initial जिसे हमने फॉर्मूले में V लिखना है वो 0.3 meter per second है, और आपको ये भी पता है कि जो V है वो distance over time होता है। तो अगर इसकी value 0.3 meter per second है तो distance या length कितनी है तो 0.3 meter है, और time कितना है, time 1 second है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ओवर टाइम है तो 0.3 मीटर डिस्टेंस है और एक सेकंड टाइम है, ये हमने नोट कर लिया। अच्छा उसके बाद क्या है, थ्रू अ होल ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होल से पानी इजेक्ट आउट हो रहा है इस स्पीड के साथ, तो जो इसका एरिया है वो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब होगा 50 × 10⁻²⁻² मीटर का होल स्क्वायर, या फिर एरिया इज इक्वल टू 50 × 10⁻²⁴ मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। तो अगर कोई पूछे कि कितना वॉल्यूम पानी का इजेक्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम जितना इजेक्ट हो रहा है वो हम एरिया ऑफ सर्कल, दैट मींस ये जो सर्कुलर एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाली लेंथ को मल्टीप्लाई कर लें तो मुझे पता चल जाएगा कि पानी का कितना वॉल्यूम इजेक्ट आउट हुआ है। तो इसलिए एरिया इंटू एल कर देते हैं, ये बनेगा 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 0.3 मीटर। तो ये वॉल्यूम कितना बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा 15 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम बन गया। अब इसे मास निकालिए, मास कितना निकलेगा, तो आप लोग जानते हो क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, इस हिसाब से जो मास है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन जाएगा। वॉल्यूम है 15 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी होती है वो पानी की वो कितनी होती है, वो होती है 1000 × 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो पर क्यूबिक मीटर इससे कट जाएगा, और जो मास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 15 × 10⁻¹ किलोग्राम या फिर 1.5 किलोग्राम। तो ये सारी डिटेल हमने इस एक चीज से निकाली है। क्वेश्चन है, अ होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड टू अ होल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द वॉल स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली दैट मींस परपेंडिकुलरली, कैलकुलेट द फोर्स ऑन वॉल अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर नॉर्मल टू द वॉल इज जीरो आफ्टर कोलिजन। तो भाई टकराने के बाद पानी की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये ना भी कहें तो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तभी ये फॉर्मूला है। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो तो फिर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर मैं ये फॉर्मूला यूज कर भी नहीं सकता, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है वो फोर्स जो वाटर इस वॉल के ऊपर एग्जर्ट करेगी। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी, ये क्या बन जाएगा, मैथ है 1.5 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है, वो है 0.3 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। तो इससे 1.5 × 0.3 = 0.45 न्यूटन हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, आंसर कितना होगा 0.45 न्यूटन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके जी, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। What is the difference between uniform and variable velocity? तो मैथ वाली डेफिनेशन लिख देनी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल मे बी, और फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर ऑल इंटरवल्स ऑफ टाइम डेल्टा टी बराबर हो तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी। फिर वेरिएबल वेलोसिटी जो है
उसके बारे में बताना है कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल मे बी, देन इट्स वेलोसिटी सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। और इस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर इंस्टेंट के लिए बराबर नहीं होती, किसी एक आध इंस्टेंट के लिए बराबर आ भी सकती है लेकिन हर इंस्टेंट के लिए बराबर नहीं होती। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, इसकी एक्सप्लेनेशन से हम बात करेंगे कि चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई से डेल्टा भी लिखा जाएगा। डिफाइन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम एक्सेलरेशन कह देंगे। गिव एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद अगली बारी क्या है, अगली बारी है इसके एसआई यूनिट्स की। तो एसआई यूनिट्स के लिए सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड आते हैं, दैट मींस एमएस माइनस वन, और डायमेंशन कोई पूछे तो एलटी माइनस वन होती है। और जो एक्सेलरेशन है वो चूंकि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के इक्वल आती है, इस हिसाब से मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। तो ये मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, और फिर डायमेंशन पूछे तो वो क्या बनेगी, वो एल टी माइनस टू बनेगी। तो यहाँ से हमने इसकी बात कर दी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.1 हो गया। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.2। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी बाय ऑब्जेक्ट इन एयर। तो भाई अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ अपनी मोशन को जारी रखेगा और स्लो होता 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 एक पॉइंट पे रुकेगा और रुके वापस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी मोशन को एज अ होल स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ होल स्टडी कर रहा हूँ, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को पॉइंट ओ कह रहा हूं, पॉइंट ओ तक बिफोर पॉइंट ओ फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही होगी, बेशक कम हो गई होगी लेकिन पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद आफ्टर पॉइंट ओ की बात करूं तो फिर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही रहेगी लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव हो जाएगी, कि यहाँ तक 50 से फेंका था, 40, 30, 20, 10, 0, माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50। तो अगर आपने इसे एज अ होल स्टडी करना है तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव ही है तो हर वो चीज जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है आप उसको नेगेटिव लेंगे, आप उसको क्या लेंगे, आप उसको नेगेटिव लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर आप इसको सेपरेट स्टडी कर रहे हैं, आप इसको टू पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका इस पॉइंट पर, ठीक है, सो सेपरेट इंटरवल्स के अंदर हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है और पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है और वो नेगेटिव है, माइनस जी के इक्वल है। फिर इसके अलावा जो फाइनल वेलोसिटी है वो बेशक इनिशियल से कम है लेकिन वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसके अगले पाथ को स्टडी करता हूँ यहाँ से नीचे गिरते हुए, तो चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी लेकिन अगली जो पहली वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी और पॉजिटिव होगी, तो अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल से ज्यादा होगी और ये वैल्यू भी क्या होगी, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो अगर एज अ होल स्टडी करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव किसी भी पॉइंट के लिए, और अगर मैं बात करता हूँ कि वो वापस नीचे गिरना शुरू हो गया तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर ऊपर जाते हुए तो अगर स्टडी करें तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव, फाइनल भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन अगर डाउन आते हुए स्टडी करते हैं तो फिर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव ही आएगी। तो एक्चुअली हमने ये ऊपर वाला केस जो मैंने सबसे पहले बताया है ये डिस्कस करना है क्योंकि आगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमने इसी तरीके से सारी डिस्कशन करनी है कि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव और हर वो चीज जो उसके ऑपोजिट होगी उसे हम नेगेटिव लेंगे। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.3। कैन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इसका आंसर है जी।
जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, यहाँ पे आकर रुकती है और रुकने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से टर्न बैक करती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे रुकती है, इस लम्हे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है तो उसकी क्या होती है, वो अपवर्ड होती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो, इसे मैं बी वन कह देता हूँ, और जो बी टू है वो डाउनवर्ड होती है, और उसे हम नेगेटिव ले सकते हैं अगर हम इसे स्टडी कर रहे हो एज अ होल। तो भाई यहाँ पे इसकी एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट थी और किसके इक्वल थी, माइनस जीरो इक्वल थी, इस वजह से हर एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में 9.8 का चेंज आया, 49 से 39.2, फिर 29.4, फिर 19.6, फिर 9.8, फिर 0, फिर -9.8, -19.6, -29.4, -39.2 और -49। तो जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होती है तो तब भी कोई चीज अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जैसे कि किसी ऊपर की तरफ फेंके गए ऑब्जेक्ट के साथ होता है। फिर है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.4। स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। तो भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड जिसे स्पीड भी कह सकते हैं और डायरेक्शन। तो भाई अगर हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है तो इस चीज का भी चेंज होना लाजमी है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी, तो जो ए है, ए स्टेटमेंट क्या है, ए स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद बी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट स्पीड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट मींस हमारे पास जो स्पीड है वो है कांस्टेंट और वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो अगर ये चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उसका मतलब है जो बी स्टेटमेंट है वो है ट्रू। रीजन के साथ ही क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है। सी है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ये भी ट्रू है। ये ट्रू कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, नॉन जीरो है, माइनस जी के इक्वल है, लेकिन किसी एक इंस्टेंट के ऊपर जब उस ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो उस वक्त उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, अगर कोई पूछे कि अपवर्ड फेंके गए ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टॉप ऑफ द पाथ पे जीरो होती है जबकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर दो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये केस है कि जिसके अंदर टॉप पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो थी लेकिन एक सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी 9.8 थी, पांचवे सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, इसकी एक्सेलरेशन आएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो थी लेकिन एक्सेलरेशन दो वेलोसिटीज का डिफरेंस होती है, वो एक वेलोसिटी से नहीं आ सकती। तो बेशक एक वेलोसिटी जीरो हो जाए फिर भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकती है, तो सी पार्ट ट्रू है। और डी है, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, तो ये भी वही केस है, इसमें यह स्टेटमेंट भी क्या होगा, होगी ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। फिर है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.5 में कहते हैं, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर थ्रोस अ बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड एट द सेम टाइम थ्रो अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद सेम स्पीड, व्हिच बॉल विल हैव ग्रेटर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो अगर मैं कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है और इसकी वेलोसिटी 49 है तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, चलो 49 है, सेकंड बाद हो जाएगी 39.2, फिर होगी 29.4, 19.6, 9.8, 0, फिर यहाँ पे क्योंकि 0 है फिर होगी 9.8, 19.6, भले माइनस में लिख दो, 29.4, 39.2, 49, फिर कितनी होगी, फिर होगी 58.8, फिर कितनी होगी 68.6, फिर 78.4, फिर 88.2, फिर कितनी हो जाएगी, फिर हो जाएगी 98।
ठीक है। सो ये 15 सेकंड का पाथ है जिसमें इसकी वेलोसिटी 49 से 0 हुई और 0 से 98 मीटर पर सेकंड तक चेंज हुई। लेकिन एक दूसरी बॉल है जिसको नीचे की तरफ 49 की स्पीड से फेंका गया है, जाहिर बात है अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी इतनी होनी नहीं है ना, आगे वाले पाथ में तो वेलोसिटी चेंज इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए अगर ये बॉल ऊपर को फेंकी गई फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में तो इसमें वापस नीचे आके उसी पॉइंट पे अपवर्ड कर गए, डाउनवर्ड उतनी ही वेलोसिटी गेन करनी है जितनी वेलोसिटी से इस बॉल को आपने फेंका है। बस फर्क ये होगा कि ये बॉल 15 सेकंड में उतना ही मतलब उसी पॉइंट पे आके गिरेगी जितनी देर में ये वाली बॉल जो है वो 5 सेकंड में गिर जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी ही होगी इस बॉल जितनी डिस्टेंस ज्यादा कवर करके आएगी, वरना डिस्प्लेसमेंट इसकी इतनी ही है जितनी इस बॉल की है, बाकी ये देर से गिरेगी ये जल्दी गिरेगी। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन स्पीड के हवाले से किया, तो स्पीड सेम आ रही है तो हम इस रीजन से उन्हें बता देंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से गिरेंगे। क्यों? क्योंकि अपवर्ड फेंकी गई बॉल वापस उसी पॉइंट से उसी वेलोसिटी से गुजरेगी जिस वेलोसिटी से फेंकी गई थी, और दूसरी बॉल भी उसी वेलोसिटी से डाउनवर्ड फेंकी गई है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.6 है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर पैरेलल। तो अगर कोई कार इस तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी वी से, उसकी एक्सेलरेशन भी इस तरफ है और जो डेल्टा वी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस एक गाड़ी जिस तरफ चल रही है उसी तरफ स्पीड भी गेन कर रही है, दैट मींस कार इज गेनिंग स्पीड, तो वेलोसिटीज इनिशियल भी फाइनल भी और एक्सेलरेशन भी वो एक ही डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के इक्वल आएगा। तो भाई अगर हमारे पास एक कार है वो स्पीड गेन कर रही है, ठीक है, स्पीड गेनिंग के दौरान उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट पार्ट है एंटी पैरेलल। तो अगर एक कार स्लोइंग डाउन हो रही है, दैट मीन उसको ब्रेक लग रही है, तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, डेल्टा वी का आंसर नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन का आंसर क्योंकि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी से आता है, तो अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस वजह से स्लोइंग डाउन कार के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। अच्छा, व्हाइल मेकिंग अ टर्न, अगर गाड़ी मुड़ रही है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, तो फिर क्या होता है कि कोई भी गाड़ी अगर मुड़ रही होती है तो वो क्या करती है, वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करती है इस तरह से। इस वक्त किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ होती है इंस्टेंटेनियस, और जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो सेंट्रीपेटल होती है और वो टूवर्ड सेंटर होती है, ठीक है। गाड़ी के टायर उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस वक्त मेकिंग अ टर्न के केस में ये दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। फिर उसके बाद है नंबर 4, वेलोसिटी इज 0 बट ए इज नॉट 0, ठीक है। सो अगर स्टॉपिंग गाड़ी रुक रही है एट लास्ट मोमेंट की बात करें, आखिरी लम्हे गाड़ी की एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहेगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अगेन वही बात ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस बी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई में, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो है और बाकी कोई भी वैल्यूज मौजूद है, तो इस वक्त ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो वी फाइनल है जो कि वी इंस्टेंटेनियस है वो जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास फोर्थ आंसर है। फिर नंबर 5 है, नंबर 5 क्या है, ए इज जीरो बट बी इज नॉट जीरो, तो जब गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी तो डेल्टा वी का आंसर जीरो होगा और ए का आंसर भी जीरो होगा। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.6 हो गया। बच्चों यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिलहाल इतना ही था।